हेलो गाइस, वेलकम बैक टू नज़र हर एक शेयर पर। आज के इस वीडियो में हम लेकर आए हैं आपके लिए दो नंबर वन स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर इस वीडियो में हम दोनों स्टॉक को कवर करने वाले हैं। जैसा कि आपने थंबनेल में देख लिया होगा गाइस कि हम काफ़ी अच्छे दो स्टॉक के बारे में यहाँ जानने वाले हैं और उनसे रिलेटेड क्या इन्फॉर्मेटिव यहाँ पर हमको देखने को मिल रही है, क्या अपडेट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है, सारी चीज़ें आपको वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए बिना रुकावट के वीडियो को जल्दी से स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने के पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किया है तो बेल आइकन को हिट करके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि आपको स्टॉक मार्केट के लेटेस्ट वीडियो की अपडेट टाइमली मिल सके। तो चलिए गाइस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो स्टॉक है वो है हैप्पीएस्ट माइंड। यहाँ पर हम बात करने वाले हैं हैप्पीएस्ट माइंड की, जो कि रिसेंटली आपको 1019 पर ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है। और आज के दिन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हैं लगभग 17.5% के आसपास की तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। तो आप देख सकते हैं काफ़ी अच्छा ये हमको ग्रो करते हुए देखने को मिल रहा है। अगर हम यहाँ पर मंथली बात करें तो 6 महीने का चार्ट पैटर्न देखकर भी आपको अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि अच्छा खासा यहाँ पर ये स्टॉक ग्रो करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स की अगर हम बात करें तो क्वार्टर फोर के रिजल्ट्स जब इसके अनाउंस हुए थे जब भी स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली थी, बट अभी हमको ये रिकवरी करते हुए देखने को मिल रहा है। अच्छा खासा यहाँ पर ट्रेड कर रहा है और हम कह सकते हैं कि जब भी यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हमको देखने को मिलती है तो स्टॉक में हमको गिरावट देखने को मिली जाती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट अगर हम बात करें तो ये एक मिड कैप कंपनी से बिलोंग करता है। जैसे कि आप जानते हैं कि मिड कैप कंपनी का स्टॉक हमको वोलेटाइल मार्केट में सबसे ज़्यादा गिरते हुए देखने को मिलता रहता है, बट अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो अच्छा खासा हमको एक ग्राफ बनते हुए यहाँ पर देखने को मिल रहा है। तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर ट्रेड करते हुए हमको हैप्पीएस्ट माइंड देखने को मिल रहा है और इससे रिलेटेड काफ़ी अच्छी यहाँ पर अपडेट हमको सामने आती हुई देखने को मिल रही है। तो हम कह सकते हैं काफ़ी अच्छा यहाँ पर ये परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहा है। आज के दिन की अगर हम डिलीवरी की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग 15.21% के आसपास का डिलीवरी यहाँ पर हमको देखने को मिल रहा है। देन आप यहाँ पर देख सकते हैं हाई का एरो, ऑल टाइम हाई पे कंपनी यहाँ पर देखने को मिल रही है। 52 वीक हाई भी यहाँ पर आप देख सकते हैं, चेक कर सकते हैं। तो आज ही के दिन 30 जून को आपको देखने को मिल रहा है 1020 का यहाँ पर हाई लगाते हुए देखने को मिल रहा है। बट अगर हम मिड कैप कंपनी की बात करें तो यहाँ पर हमको यहाँ पर गिरावट जनरली देखने को मिलती रहती है। जो अभी हमको 1020 पे देखने को मिल रहा है वो हमको 52 वीक लो पे भी कभी कभी देखने को मिल सकता है। बट अगर हम हैप्पीएस्ट माइंड की बात करें तो आप सभी जानते हैं कि एक ऐसा स्टॉक है जिसको हम लाइफ टाइम तक होल्ड करके रख सकते हैं बिना किसी रुकावट के कंटिन्यू यहाँ पर कर सकते हैं। बिकॉज हैप्पीएस्ट माइंड की अगर हम बात करें तो यहाँ पर अभी इसको 1 साल भी कंप्लीट नहीं हुआ है और कंपनी ने ज़बरदस्त यहाँ पर रिटर्न दिए हैं। लगभग 1 साल की अगर हम बात करें 175 के रिटर्न्स यहाँ पर देखने को मिल रहे हैं। तो 1 साल भी कंपनी को नहीं हुआ है, उसके हिसाब से अगर रिटर्न्स हमको काफ़ी अच्छे देखने को मिल रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर कंपनी अच्छा परफॉर्म करते हुए हमको नज़र आ रही है। इसके अलावा अगर हम कंपनी की बैलेंस शीट देखें तो आप बैलेंस शीट भी चेक कर सकते हैं। टोटल रिजर्व की अगर हम बात करें तो यहाँ पर पहले माइनस में हुआ करते थे, रिसेंटली यहाँ पर ग्रो करते करते 215 देन 514 पर हमको देखने को मिल रहे हैं। लगभग 514 करोड़ के यहाँ पर हमको रिजर्व्स कंपनी के देखने को मिल रहे हैं। और यहाँ पर लॉन्ग टर्म वॉरियर्स आप देख सकते हैं कि कंपनी के ऊपर कोई कर्जा है तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमको थोड़ा बहुत कर्जा तो यहाँ पर देखने को मिल रहा है। कंपनी काफ़ी अच्छा है, काफ़ी अच्छा बिजनेस कर रही है तो डेफिनेटली हमको थोड़ा बहुत तो देखने को मिलेगा। तो 16.53 करोड़ के यहाँ पर हमको लॉन्ग टर्म वॉरियर्स देखने को मिल रहे हैं। शॉर्ट टर्म वॉरियर्स भी आप देख सकते हैं। देन अगर हम कंपनी के कैश की बात करें तो यहाँ पर कंपनी के पास लगभग 138 करोड़ के आसपास का केस रिसेंटली हमको देखने को मिल रहा है। तो कह सकते हैं कि एक मॉडरेट बैलेंस शीट हमको यहाँ पर देखने को मिल रही है। तो काफ़ी अच्छा एक परफॉर्म करती हुई हमको कंपनी देखने को मिल रही है और इसके लिए मैं यही कहना चाहूँगी जिस किसी के पास भी ये स्टॉक है तो डेफिनेटली यहाँ पर कंटिन्यू कर सकता है। इसके अलावा अगर हम दूसरे स्टॉक की बात करें तो हमारा दूसरा स्टॉक टाटा ग्रुप से टाटा एलेक्सी है। आप देख सकते हैं 4350 पर हमको ट्रेड करते हुए देखने को मिल रहा है और आज के दिन इसमें ज़बरदस्त तेज़ी हमको देखने को मिल रही है। लगभग आप देख सकते हैं 8.5% से भी ज़्यादा की हमको इसमें ग्रो तेज़ी देखने को आज के दिन मिल रही है। रिसेंटली हमको 4350 पर ट्रेड करते हुए हमको देखने को मिल रहा है। तो काफ़ी अच्छा परफॉर्म भी ये कंपनी हमको करते हुए देखने को मिल रही है। और ये कंपनी की अगर हम बात करें लार्ज कैप कंपनी से बिलोंग करती है
और अगर हम इसकी बात करें तो पहले ये मिड कैप हुआ करता था, बट अब लार्ज कैप में कन्वर्ट हो गया है और इसका मार्केट कैप 26,000 करोड़ का मार्केट कैप हमको देखने को मिल रहा है और बहुत ही कमाल का परफॉर्म यहाँ पर हमको कंपनी देखने को मिल रहा है। अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लगभग 6 महीने का चार्ट पैटर्न, 1 साल का और यहाँ पर 5 साल का चार्ट पैटर्न, काफ़ी अच्छा ग्राफ हमको हाई जंप करते हुए देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं, आप ये भी सोच सकते हैं कि यहाँ पर इसका प्राइस काफ़ी ज़्यादा है, बट कहते हैं ना कोई भी स्टॉक एकदम से तो आगे नहीं पहुँचता है, धीरे धीरे करके ही यहाँ पर ग्रो किया होगा। तो डेफिनेटली आज जो स्टॉक हमको 4030 पे देखने को मिल रहा है, 300 पे देखने को मिल रहा है, तो कभी ना कभी वो लो पर भी हुआ करता था। तो डेफिनेटली आज इसकी ग्रो करने के पीछे कंपनी का बिजनेस है, कंपनी की ग्रोथ है, काफ़ी अच्छे नंबर्स कंपनी के हमको देखने को कंसिस्टेंटली देखने को मिल रहे हैं। आज की अगर हम डिलीवरी की बात करें तो आप देख सकते हैं आज के दिन लगभग यहाँ पर 33.80% के आसपास का डिलीवरी यहाँ पर उठाया गया है। कंपनी की अगर हम बात करें तो यहाँ पर कंपनी ऑल टाइम हाई पर चल रही है, आप देख सकते हैं, और कंपनी का यहाँ पर आप 52 वीक हाई भी देख सकते हैं। तो आज ही के दिन इस कंपनी ने भी, फर्स्ट वाले स्टॉक की अगर हैप्पीस्ट माइंड की बात करें तो आज ही के दिन इसने भी हाई लगाया और आज ही के दिन इसने भी अपना हाई बनाया हुआ है, और लो भी आप देख सकते हैं 876 का यहाँ पर लो हमको देखने को मिल रहा है। तो डेफिनेटली इस कंपनी से रिलेटेड हमको काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पर अगर हम कंपनी की बात करें तो कोई भी यहाँ पर शेयर यहाँ पर गिरवी नहीं रखा हुआ है, ये सारी चीज़ें भी आप चेक कर सकते हैं। शेयर होल्डिंग पैटर्न्स में आप देख सकते हैं लगभग प्रमोटर्स के पास 44% के स्टॉक हैं एंड पब्लिक होल्डिंग यहाँ पर 55 हम कह सकते हैं। डेफिनेटली ये सारी चीज़ें किसी भी कंपनी के लिए, किसी भी स्टॉक के लिए देखना हमारे लिए ज़रूरी हो जाता है। तो आई होप सो गाइस आपको वीडियो पसंद आया हो, ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए बने रहें हमारे चैनल पर। और जाने से पहले आप सभी से कहना चाहूँगी, अगर ब्रोकरेज के नाम पर आप अभी भी अपना पैसा बर्बाद कर रहे हैं तो इंडिया के टॉप ब्रोकर की लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड की है, आप वहाँ जाकर अपना डीमैट ओपन करा सकते हैं और ब्रोकरेज के नाम पर अपना पैसा बर्बाद होने से बचा सकते हैं। थैंक यू सो मच।